आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्ट्रीट स्टाइल आलू टिक्की चाट की ऐसी टेस्टी रेसिपी जिसे आप घर पर कम इंग्रेडिएंट्स में आसानी से बना सकते हो, बिल्कुल बाजार जैसा। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर उबले हुए आलू, जिसे मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से छील लिया है, हल्का सा मैंने इन्हें ठंडा कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हम मैश। आप चाहे तो इसको ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं या मैशर से इस तरीके से मैश कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको मैश कर लेना है और इसका एक परफेक्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो डो के लिए यहाँ पर हम लेंगे अरारोट। तो 3 बड़े चम्मच के करीबन मैंने यहाँ अरारोट लिया है बाइंडिंग करने के लिए, ताकि जो इसका मॉइस्चर है आलू का कम हो जाए। अरारोट की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आलू में कितना मॉइस्चर है, उस हिसाब से आप इसको डाल सकते हैं। तो ये देखिए, इसका मैंने इस तरीके से डो तैयार कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। टिक्की की शेप कहे चाहे तो आप रोटी का जो पेड़ा या लोई लेते हैं, उस तरीके से आपको ये बना लेना है। ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अगर आपको टिक्की बड़ी चाहिए तो आप बड़ी या छोटी अपने हिसाब से उसका साइज़ जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पूरे डो की जो है इस तरीके से टिक्की बना लूँगी। तो टिक्की आपको बिल्कुल हल्के हाथों से बनानी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सब टिक्कियाँ जो है तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से जो है सारी टिक्कियाँ तैयार कर ली है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। तो आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई तवे पर करिए या इसको इस तरीके से फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं सभी टिक्कियों को इस तरीके से डाल दूंगी। तो बर्तन में जितनी टिक्कियाँ है आप उतना डाल लीजिए। तो ये देखिए, इसमें इस तरीके से जो है गोल्डन सी शेड आने लग गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ ना पलट देंगे। तो यहाँ पर मैं इन चारों टिक्की को जो है इस तरीके से पलट रही हूँ दूसरी साइड, ताकि जब दूसरी साइड जो है उसमें भी आँच लग जाए। तो टिक्की को हम बिल्कुल क्रिस्पी सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आपको 15 से 20 मिनट जो है इसको इस तरीके से जो है अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए, हमारी जो टिक्की है वो कितनी कुरकुरी सी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो है इस टिक्की को निकाल लेंगे और इसका तेल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टेन कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी टिक्की जो है दिखने में कितनी परफेक्ट लग रही है। तो अब हम बनाएंगे इस गरम गरम टिक्की की चाट। तो चाट के लिए यहाँ पर मैंने दही लिया है। दही में 2 से 3 चम्मच के करीबन मैंने चीनी डाल करके इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया है। और देखिए, इस तरीके से इसका क्रीमी सा टेक्सचर हो चुका है। तो ऐसी ही हमें क्रीमी सी दही जो है चाट के लिए चाहिए होती है। तो ये हमारी दही भी बिल्कुल तैयार है। तो टिक्की को मैंने इस तरीके से ना हल्का सा दबा लिया है। तो इसको आप इस तरीके से प्रेस कर लें और इसके ऊपर डालें ये क्रीमी सी दही। ग्रीन चटनी तो धनिया और पुदीने की मैंने बनाई है। तो इस तरीके से हम इसको डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है गुड़ और इमली की चटनी। तो आपको चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देंगे प्याज इस तरीके से। प्याज के साथ यहाँ पर मैं डाल दूंगी इस तरीके से बूंदी। बूंदी के साथ इसमें डालेंगे हम भुना पिसा जीरा। काला नमक यहाँ पर डाल दें, इससे टेस्ट जो है बिल्कुल अच्छा आता है। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है चाट मसाला। तो यहाँ पर मैंने लिया है बीट रूट, इसकी जगह आप चाहे तो अनार भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही। तो यहाँ पर हम डालेंगे देगी लाल मिर्च और इसी के साथ सेब। तो ये हमारी सुपर टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल गर्मा गर्म टिक्की जो है बिल्कुल बन करके तैयार है। तो बिल्कुल इजी रेसिपी है। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।